डीएवी में अरविंदो कॉलेज के एमबीबीएस छात्रों ने किया जमकर हंगामा। छात्र कर रहे हैं परीक्षा डेट आगे बढ़ाने की मांग। कुलपति ने दिया आश्वासन लेकिन अब नहीं मान रहे डेट आगे बढ़ाने की मांग। मौके पर पुलिस भी तैनात। गेट नहीं खोलने पर गेट तोड़ने की दी धमकी। इंदौर सहित देश भर में एट्रोसिटी एक्ट का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को सपाक्स और सवर्णों ने लोकसभा स्पीकर और सांसद सुमित्रा महाजन के घर को घेरने का प्रयास किया। हालांकि इससे पूर्व ही पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की सांसद प्रतिनिधि से बहस भी हुई। और सवर्ण इंदौर की जो सवर्ण सेना है उनको ज्ञापन देगी और ज्ञापन में मांग की जाएगी जो एट्रोसिटी एक्ट जो लागू किया गया उसको तत्काल खत्म किया जाए। आदरणीय ताई जी हमारी इंदौर की सांसद भी हैं, उसके साथ साथ देश का महत्वपूर्ण पद, उनके पास लोकसभा अध्यक्ष का पद भी है, तो उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे इंदौर शहर के जो नागरिकों की आवाज़ है, जो सवर्ण समाज की आवाज़ है, वो देश की संसद में पहुँचाएँ। हम उनके माध्यम से प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। आज इसी के लिए उनके घर पर हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। इंदौर में आज युवा किसान कांग्रेस के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर इंदौर विकास प्राधिकरण के सामने भूख हड़ताल पर बैठ गए। किसानों की मांग है कि इंदौर विकास प्राधिकरण ने कई योजनाओं के लिए उनकी जमीन का अधिग्रहण किया और उसके बदले विकसित भूखंड एक या दो महीने में किसानों को देंगे। किसानों का आरोप है कि शायद यदि किसानों की जमीन पर दो वर्ष के अंतर्गत विकास कार्य नहीं करता तो नियमानुसार एग्रीमेंट समाप्त हो जाता है। हम अपराधी हैं तो आप हमको जेल में डाल दो और अगर हम सही है तो चलो, हमारी विनती है कि इन लोगों से आपको हमारी जमीन दे दो। इन लोगों से आपकी बातचीत हुई क्या? हम लोगों की इनसे बातचीत हुई। अभी इनके जो भू अर्जन अधिकारी वो आए भी थे तो उनका कहना है कि भैया हमें तो दो महीने हुए हैं, तो आपने हैंडओवर टेकओवर क्यों नहीं लिया? भैया दो महीने की सैलरी नहीं ली क्या आपने? हमको तो हमारी 11 साल से जमीन नहीं मिल रही भैया। हमारे माँ बाप हॉस्पिटल में भर्ती है, हमको भी हमारे बच्चों की फीस भरना है, हमको भी पेट्रोल डीजल उतने रुपये लीटर मिल रहा है जितना भारत के अन्य लोगों को मिल रहा है। हमारी तो स्थिति ऐसी हो गई है साहब की फांसी लगाना पड़ेगी अब हमको। हम तो यहाँ से उठने वाले नहीं जब तक हमको हमारी जमीन नहीं मिलेगी। आष्टा में एक बार फिर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली। नए बस स्टैंड पर गणेश चतुर्थी मंडल का गठन हुआ। इस मंडल का अध्यक्ष सर्वसम्मति से भैया एमपी अजीज उर रहमान को बनाया गया। जब भैया एमपी से पूछा गया तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से जवाब देते हुए कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आष्टा एक ऐसा शहर है जिसमें यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब, चाहे होली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे कोई और भी त्यौहार हो, हिंदू मुसलमान सब आपस में भाईचारे के साथ हर त्यौहार को मनाते हैं। कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इन चीजों का विरोध करती हैं, लेकिन हम उनकी परवाह नहीं करते। अच्छे काम के लिए विरोध भी झेलना पड़ता है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। इस साल जहां लोगों में गणेश चतुर्थी को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर मुहर्रम को भी मनाया जा रहा है। शेड्यूल वार्ड नंबर 24 में दोनों समुदाय के लोगों ने एकता और भाईचारे का प्रमाण दिया है। जिस गली में गणेश जी की स्थापना की गई, वहीं बगल में मुहर्रम को भी मनाया जा रहा है और मुहर्रम में बने लंगर को लोगों को दिया जा रहा है। गणेश जी की स्थापना हम लोग वैसे तो 20 सालों से करते आ रहे हैं और हर साल एक नया उत्साह रहता है गणेश जी में। और ये जगह जो है आप पूछ रहे हैं वो सिंहपुर रोड खट्टी मोहल्ला वार्ड नंबर 24 है। गणेश उत्सव को शेड्यूल में किस तरह मनाया गया आप बताएंगे थोड़ा? इस साल तो गणेश उत्सव की बहुत धूम है। पिछले साल से अत्यधिक प्रतिमाएं बैठाई गई हैं और इस साल गणेश उत्सव के समय मुहर्रम भी मनाया जा रहा है साथ में। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे वार्ड में ही मुहर्रम और गणेश उत्सव दोनों साथ में मनाया जा रहा है। इससे हिंदू मुस्लिम भाईचारा भी सबको दिख रहा है और बहुत अच्छा लगता है इस तरह का कार्यक्रम अगर कहीं पर होता है। शहडोल में हर साल गणेश जी की प्रतिमाएं हर साल बढ़ती जा रही हैं और लोगों में उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। बस अभी की जनरेशन के जो कुछ बच्चे हैं उनको भगवान से और भजन कीर्तन से, ये सब पुरानी अपनी जो पुस्तकें हैं उनसे जोड़ना और उनको इन चीज़ों के बारे में बताना ये ज़्यादा जरूरी है। शहर में मुहर्रम का त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया गया है। इमाम हुसैन की याद में लोगों ने लंगर भी लुटाया है, सब कुछ किया है और ये एक पैगाम दिया गया है कि इमाम हुसैन की याद में अच्छा काम करो, किसी को तकलीफ ना पहुंचे। इस साल गणेश चतुर्थी और मुहर्रम एक साथ फंसा हुआ है। हमारे मोहल्ले में दोनों चीज एक साथ मनाई जा रही है और यहाँ तो कोई किसी का भेदभाव नहीं है, सब त्योहार मनाया जाता है।
मंगलवार को हंडिया ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक एक डीमर मोहल्ला की एक दर्जन से अधिक महिलाओं ने हंडिया तहसील कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार नेहा दुबे को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा वार्ड में सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण कार्य किया गया था। सड़क के दोनों ओर ग्रामीणों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण करने के चलते आसपास के घरों का पानी सड़क पर वर्ष भर बहता है, जिसके चलते सड़क पर काई जम जाने से आए दिन महिला एवं उनके बच्चे फिसलकर दुर्घटना के शिकार होना आम बात हो गई है। पानी की निकासी की व्यवस्था अलग से किए जाने के संबंध में ग्राम पंचायत हंडिया को बार बार अवगत कराने के बावजूद भी सरपंच सचिव द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इनकी मेन समस्या ये है कि वहाँ रास्ता बहुत कम है और रास्ता बहुत कम होने के कारण नाली निर्माण होना संभव नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने आवेदन किया है मैडम को कि वहाँ अतिक्रमण हटाया जाए और अतिक्रमण हटने के बाद वहाँ नाली निर्माण या तो जनपद निधि या विधायक निधि या पंचायत निधि से अपन करवा देंगे। तो मेन समस्या इनकी ये है कि वहाँ जो जगह बहुत कम होने के कारण वहाँ का अतिक्रमण जो है वो हटना चाहिए। तो इन्होंने आज मैडम से आवेदन किया है कि वहाँ अतिक्रमण हटना चाहिए। रास्ता के लिए आया पानी में बहुत दिक्कत आ रही है हमको। कौन से वार्ड में? एक नंबर वार्ड डीमर वार्ड। पानी की समस्या कब से है? की पानी समस्या तो क्या हो रहा है वहाँ पे पानी रोड पे बहने से? हंडिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ग्राम में मंगलवार की रात्रि एक 5 वर्षीय मासूम बालिका अपने ही रिश्तेदार के भाई के साथ घर के आंगन में खेल रही थी। इसी दौरान परिवार के अन्य सदस्य गणेश उत्सव की तैयारी के चलते अपने अपने काम में लग गए। इस दौरान कुकर्मी विनोद पिता आनंद राम बलाई उम्र 20 वर्ष बच्ची को गोद में लेकर पास के ही एक बाड़े में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब परिजनों ने देखा तो विनोद और बच्ची दोनों नहीं है। तब आसपास बच्ची की माँ द्वारा तलाश करने पर बच्ची नहीं मिलने पर उसकी सूचना परिजनों को दी। तब परिजनों द्वारा मासूम बच्ची को आसपास तलाश करने पर विनोद सामने से एक बच्ची को गोद में लेकर आता हुआ दिखाई दिया। तब बच्ची जोर जोर से रो रही थी। ऐसे में माँ द्वारा बच्ची को कमरे में ले जाकर उससे पूछताछ कर शरीर को देखने पर पता चला कि उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। बच्ची ने अपने साथ उसी के रिश्तेदारों के लड़के से ले पास के ही बाड़े में पास ही के बाड़े में ले जाकर दुष्कर्म की घटना घटित होता पाया गया है। तत्काल ही आरोपी को राउंड अप कर लिया गया है और धारा 376 और एवं पाक्सो एक्ट के तहत पेट्रोल पंजीबद्ध कर लिया गया है। अजनास रोड पर क्षेत्रवासियों को नगर वासियों को डिवाइडर वाले रोड की सुविधा मिल रही है। शीघ्र ही यह काम पूर्ण होने जा रहा है। नगर का तालाब सुंदरीकरण में अपने आप में एक इतिहास बनेगा। नगर का सुंदरीकरण हमारा मुख्य लक्ष्य है। उक्त विचार बड़ी संख्या में उपस्थित वार्ड क्रमांक 2 में 18 लाख की लागत से बनने वाले सीसी रोड के भूमि पूजन समारोह में विधायक पंडित आशीष शर्मा ने व्यक्त किए। निश्चित ही नगर परिषद खातेगांव के द्वारा नगर के विभिन्न वार्डो में निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में वार्ड क्रमांक 2 में जहाँ पर अधिकांश कर्मचारी अधिकारी और उच्च शिक्षित वर्ग रहता है, वहाँ के निवासी कई समय लंबे समय से सीमेंट कंक्रीट रोड की मांग कर रहे थे। आज उस रोड का भूमि पूजन करके उनकी मांग तो पूरी हुई है, साथ ही साथ खातेगांव के विकास में एक नया और अध्याय जुड़ा है। आज ये हमारे वार्ड क्रमांक 2 में हमारे वार्ड की जनता एवं हमारी माता बहनों के कहने पे हमने आज वार्ड क्रमांक 2 में 18 लाख की लागत से रोड का भूमि पूजन किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में उज्जैन की महिला नेत्री पार्षद माया राजेश त्रिवेदी ने महिला सुरक्षा को लेकर राहुल गांधी ने माया त्रिवेदी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि महिला जहां आ जाती है वहां 50% भ्रष्टाचार तो यूं ही खत्म हो जाता है तथा महिला भारत के उच्च पदों पर आसीन हो, इसलिए हम लोकसभा में महिला आरक्षण का बिल भी लाएंगे। और उन्होंने मुझे जो जवाब दिया उनसे बहुत संतुष्ट हुई। और एक विशेष बात उन्होंने ये कही कि जहाँ पर महिलाएं आ जाती हैं वहाँ 50% भ्रष्टाचार तो अपने आप ही समाप्त हो जाता है, दूसरा अपराधों में भी कमी आती है। और इसी को लेकर के वो एक बिल लोकसभा में लाना चाहते हैं और उसके माध्यम से महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं कि महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा प्रमुख पदों पर आएंगी तो भारत की दशा और दिशा दोनों बदलेंगी।